चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की एक बेहद अहम खबर की। एजीआर की मार झेल रही टेलीकॉम कंपनियों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार एजीआर पर ब्याज माफ करने की तैयारी कर रही है। पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी। दीपांशु बताइए, एक महत्वपूर्ण खबर है एजीआर के मोर्चे पर, टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिल सकती है, क्या क्या खबर है और क्या राहत मिल सकती है? मृत्युंजय, अगर आप देखें तो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी खबर पिछले 3 महीने में ये एजीआर भुगतान को करते ही है, और अब डेडलाइन के 2 दिन पहले सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम आ रहा है जिसकी वजह से एजीआर पर बहुत बड़ी खबर आ सकती है। इसके अलावा जो टैक्स है उसका 50% भुगतान करना पड़ेगा और जो पेनल्टी है उसका सिर्फ 10% भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सब आप मिलाएंगे तो जो स्पेक्ट्रम फीस है ये एजीआर भुगतान उससे भी कम हो जाता है। अब आप वोडाफोन आइडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, एजीआर उसकी पेनल्टी और इंटरेस्ट सब मिलाकर उनका टोटल ड्यू आता है तकरीबन 53,000 करोड़ का। इसमें से अगर आप इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो वो अमाउंट बचता है 32,000 करोड़। अब उसका अगर आप 20% निकालते हैं तो वो अमाउंट आता है 6,200 से 6,300 करोड़ का। तो ये अमाउंट होगा जो वोडाफोन आइडिया को पे करना पड़ेगा, और ये एक साथ ही नहीं पे करना पड़ेगा, सरकार इस अमाउंट के पेमेंट के लिए 10 साल का आपको टाइमलाइन देगी। तो आप इसको एक स्टैगर्ड तरीके से पे कर सकते हैं ताकि आपके कैश फ्लो या ऑपरेशंस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा एक रिलीफ संभव है पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और ये इसलिए है क्योंकि आरबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम दोनों ही सरकार को बताया कि देखिए अगर कोई भी कंपनी फेल होती है तो बैंक्स पर भी असर पड़ेगा और पूरे सेक्टर पर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो सरकार की भी सोच यही है कि किसी भी कंपनी को फेल नहीं होना चाहिए, और प्राइवेट प्लेयर्स में सिर्फ 2 प्लेयर्स का बचना जरूरी नहीं है, और जितने प्लेयर्स बच सकते हैं सबका ही बचना अच्छा रहेगा। तो इसलिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव बनाया है जो इन्होंने वित्त मंत्रालय को भेजा है, और वहां से अगर अप्रूवल आ गया तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को राहत मिलेगी और सबसे बड़ा विनर इसमें होगा वोडाफोन आइडिया। बिल्कुल, और दीपांशु ने जो खबर बताई है इस खबर के बाद, जब जी बिजनेस ने पहली बार आपको ये खबर दिखाई आज, तो उसके बाद से आइडिया वोडाफोन के शेयर करीब करीब 20% बढ़े हैं। वो इसलिए बढ़े हैं जो बात अभी दीपांशु ने बताई कि 53, आप ऐसे समझिए इसे कि करीब करीब 53,000 करोड़ रुपए का बकाया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और उसमें से अगर सिर्फ 6,200 करोड़ के आसपास चुकाना होगा तो ये कितनी बड़ी राहत होगी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और यही वजह है कि आज शेयर में जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। दीपांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से भी थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट कंपनियों की संशोधित याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इस याचिका में कंपनियों ने जुर्माने की राशि यानी एजीआर को चुकाने के और वक्त मांगे हैं। इस संशोधित याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुनवाई होने तक सरकार कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आपको बता दें कि एजीआर के तौर पर वोडा आइडिया को करीब 53,000 करोड़ रुपये और एयरटेल के करीब 35,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं।